छात्रों, आज हम देखेंगे लक्ष्मी, यह जो कहानी है लक्ष्मी, ये जो पाठ है दूसरा, तो इसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। लक्ष्मी ये जो पाठ है इसकी विधा है संवादात्मक कहानी। ये कहानी है लक्ष्मी, ये जो पाठ है ये कहानी है। और किसने लिखी है? गुरु बच्चन सिंह। कहानीकार कौन है? गुरु बच्चन सिंह। संवादात्मक कहानी है। तो इस कहानी में कहानीकार ने क्या, कौन सी बात को प्राधान्य दिया है, कौन सी बात दर्शाई है? तो इसमें दो मित्र है, एक का नाम है करामत अली और दूसरा है ज्ञान सिंह। ये दो मित्र है और करामत अली जो है अपने मित्र को एक वचन देता है। तो मित्र को दिया हुआ वचन और वचन के प्रति जिम्मेदारी, वचन जो होता है निभाने के लिए होना चाहिए। जब हम किसी को वचन देते हैं तो खाली वचन देने से कुछ नहीं होता, वचन तो निभाना पड़ता है। मित्र को जो हम शब्द देते हैं, वचन देते हैं, तो ये निभाने की बात है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो वचन हमने दिया है उसे हम निभाएं। तो इस कहानी का विषय यही है, मित्र को दिया हुआ वचन। और दूसरी बात इस कहानी में जो आई है वह है प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना। प्राणी मात्र जो होते हैं इनके प्रति हमारा व्यवहार जो है अच्छा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। तो इस कहानी में पशु प्रेम दर्शा है, पशु प्रेम दर्शा है। इसमें हमने पहले ही आपको बताया, इसमें दो मित्र है, एक है ज्ञान सिंह और दूसरे है करामत अली। अब देखो यहाँ इसमें जो ज्ञान सिंह है ये शौकीन है, किसके? मवेशियों के। मवेशी पालने का इनको शौक है। किसे? ज्ञान सिंह को शौक है मवेशी पालने का। तो उसने एक गाय खरीदी है और उसी गाय का नाम है लक्ष्मी। उसी गाय का नाम है, ये अधेड़ उम्र की गाय है, जर्सी गाय है, 3 साल पहले उन्होंने खरीदी थी। ये तो शौकीन है, कौन? ज्ञान सिंह, मवेशी पालने का बहुत शौक था उन्हें। तो प्राय उनके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय तो बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उन्होंने गाय खरीदी थी, जर्सी नस्ल की, और उसका ही नाम उन्होंने रखा था लक्ष्मी। ये आधेड़ उम्र की थी, कौन? लक्ष्मी गाय। लेकिन बहुत दूध देती थी, इतना दूध देती थी कि घर की जरूरतें पूरी होकर दूध बच जाता था। जो बाकी बचा हुआ दूध रहता था तो ज्ञान सिंह पास वाले घरों में बेचता था। लेकिन दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, धंधे के लिए नहीं बेचता था ज्ञान सिंह। हाँ, तो दूध बच जाता था इसलिए बेचता था, और जो पैसा आता था दूध का इससे वो क्या करता था, गाय को चारा दर्रा आदि लेने के लिए ये सारा पैसा खर्च करता था दूध का, कौन? ज्ञान सिंह। लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है कि ये जो ज्ञान सिंह है कारखाने में काम करता था, कंपनी में, तो वहां से उसे अवकाश मिलने वाला था। तो अवकाश के बाद, रिटायरमेंट के बाद, उसे जो कंपनी ने मकान दिया था उसे खाली करना था,
अब उसके सामने एक समस्या खड़ी होती है। किसके सामने? ज्ञान सिंह के। कौन सी समस्या? लक्ष्मी का क्या करे, ये समस्या। कब? अवकाश के बाद। नौकरी से जो अवकाश मिलने वाला था, इसके बाद में ज्ञान सिंह के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। किसकी? लक्ष्मी की। लक्ष्मी का क्या करे? ना तो वह उसे बेच सकता था, ना वह उसे अपने साथ ले जा सकता था। अवकाश को अब 10-15 दिन बाकी थे। लक्ष्मी की समस्या खड़ी हो गई थी। तो एक दिन वह अपने मित्र करामत अली से कहता है लक्ष्मी के बारे में, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? किससे पूछता है? ज्ञान सिंह करामत अली से पूछता है। ये जो करामत अली है और ज्ञान सिंह है, दोनों का संबंध है। पहली बात तो एक दूसरे के पड़ोसी थे, वे दोनों मित्र थे, कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ घर लौटते थे, ऐसा संबंध था। किन किन में? ज्ञान सिंह और करामत अली में। तो अपनी जो समस्या थी ज्ञान सिंह की, इसने किसे कही है? करामत अली से। और इसके लिए वह कहता है, मैं अगर मेरी लक्ष्मी आपको सौंपा दूँ तो क्या तुम उसका स्वीकार करोगे? ऐसा कहता है। किसे कहता है? करामत अली से। तो सहर्ष करामत अली ने इसका स्वीकार किया, बोला अरे भला इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? तो तेरी गाय मुझे दे रहा है तो इसका स्वीकार क्यों ना करूँ मैं? मेरे लिए तो खुश नसीबी है, तो मुझे गाय दे रहा है। और यही बात है, ज्ञान सिंह की लक्ष्मी अब करामत अली के पास आ गई। एक साल हो गया। और ये करामत अली भी गाय की सेवा करता आया। मित्र की गाय थी, मित्र को शब्द दिया, मित्र को वचन दिया कि तुम्हारी जो लक्ष्मी है, गाय है, इसके मैं अच्छी तरह से सेवा करूँगा, ख्याल रखूँगा। तो ये ज्ञान सिंह की जो लक्ष्मी है करामत अली के पास अब एक साल से है। लेकिन क्या होता है, एक दिन करामत अली का जो लड़का है जोश में आ जाता है। कौन? करामत अली का लड़का रहमान। करामत अली का जो लड़का है इसका नाम क्या है? रहमान। तैश में आ जाता है, जोश में आ गया, आवेश में आता है। और क्या करता है? लक्ष्मी की पीठ पर 4 दंडे बरसता है, मारता है लक्ष्मी को। जैसा वह लक्ष्मी को मारता है तो लक्ष्मी जो है बड़ी भयभीत और घबराई जाती है। रहमान ने मारने के बाद लक्ष्मी के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, वो बदल गई। पहले बात तो भयभीत हो गई, घबरा गई। जो भी लक्ष्मी के पास में जाता तो वह उसे सिर हिला के मारने की कोशिश करती, उछलती कूदती, उसके गले में जो रस्सी थी ये तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। कब? रहमान ने मारने के बाद। लक्ष्मी के पीठ पर जो 4 दंडे बरसाए रहमान ने, इसके बाद लक्ष्मी के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। कैसा बदला इसका व्यवहार? पहली बात तो बड़ी भयभीत और घबराई थी, दूसरी बात जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिला के मारने की कोशिश करती, तीसरी बात
उछलती कुत्ती, चौथी बात गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। उस समय ये जो करामत आली है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अस्वस्थ था दो चार दिनों से। लेकिन जब उसने सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर दंडे बरसाए हैं, तो उसे रहा नहीं गया। अपने चारपाई से उठकर धीरे धीरे वो चलकर बथान में आ गया। ये बथान तो आपको मालूम है, बथान यानी क्या होता है, जानवर को जहाँ रखते हैं, बैल का रहने का स्थान होता है, पालतू जानवर का रहने का स्थान होता है गाय बैल का, उसे कहते हैं बथान। तो करामत आली धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, बथान में। वह जाता है बथान में जहाँ लक्ष्मी है, तो उसके माथे पर हाथ फेरा, उसने पुचकारा, हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। कब, जब करामत आली ने उसकी पीठ पर से हाथ फेरा तो सिहरन सी दौड़ गई। किसके शरीर में, लक्ष्मी के शरीर में से। सिहरन का मतलब होता है कांप कांपी, चमड़ी का ऐसा हिलना धीरे धीरे, ये हो गया। और रहमान ने गाय को मारा है तो करामत आली गुस्से में आ जाते हैं। कंबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, गुस्सा होता है रहमान पर, करामत आली का, क्यों, उसने गाय को मारा है। और उसकी बीवी जो है करामत आली की रमजानी, वो वही थी खड़ी, तो वह कहते हैं लो चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रोगन लेके आई है कौन, करामत अली की पत्नी रमजानी। रोगन का मतलब समझते हो आप, रोगन यानि दवा मिलाया हुआ तेल, रोगन यानि क्या, दवा मिलाया हुआ तेल। तो ये रोगन लेकर उधर खड़ी है और अपने पति से मतलब करामत अली से कहती है लगा लो ये चोट की जगह पर, लगा लो रोगन, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली तो गुस्से में थे, गुस्से में ही बोलते हैं कि अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। वो तो बड़े गुस्से में है, क्यों, लक्ष्मी को मारा है किसने, रहमान ने। तो गुस्से में कहते हैं अपने पति से जिस लाठी से उसने लक्ष्मी को मारा है उसी लाठी से अगर मैं रहमान के दोनों हाथ तोड़ दूं तो इस तरह पीटते हैं क्या। तो रमजानी कहती है लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। अब देखो रहमान ने क्यों मारा था, इसका कारण था लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया था, दूध नहीं दिया था। तो करामत अली कहते हैं अरे दूध नहीं दिया तो इसकी सजा लाठियों से दी गई। अब बीबी जो है समझाने के स्वर में कहते हैं गलती हो गई रहमान से, कबूलता है वह, कबूलता है, कबूलता है मतलब स्वीकारता है उसकी गलती हो गई, इस बात का स्वीकार करता है। कौन, रहमान, उसने गाय को पीटा तैश में आकर, लेकिन उसकी ये गलती उसको मंजूर है, उसने स्वीकारा है, ऐसा कौन कहती है, रमजानी कहती है। रमजानी को कुछ क्षण के लिए उधर खड़ी रही फिर हट गई और अपने पति से कहती है देखो अपना ख्याल रखो, पाव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे, क्योंकि वह बीमार है ना, तबीयत ठीक नहीं है। किसकी, करामत आली की, अपने पति से कहते हैं तुम अपना ख्याल रखो, कहीं पैर इधर उधर फिसल जाता है और आप गिरेंगे तो क्या होगा, मुसीबत आ जाएगी।
कमर सिकवाते रह जाओगे। ऐसी बोलती है किससे? अपने पति से। अपने पति से कहती है। करामत अली जो है फिर से लक्ष्मी के पेट को सहलाता है, मोह मोह में ही बड़बड़ाता है, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी तो बूढ़ा गई हो। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने पिछली बार ही कह दिया था ये तेरा आखिरी बरस है। किसने कहा था ये लक्ष्मी का आखिरी बरस है? डेयरी फार्म के डॉक्टर ने, डेयरी फार्म के डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि ये बूढ़ी हो गई है। कौन? लक्ष्मी। दूध न देने का यही कारण है, यही कारण है। लेकिन इसने दूध नहीं दिया लक्ष्मी ने, तो रहमान ने इसको पीटा, चार दंडे इसके पीठ पर लगाए, चार दंडे पर लगाए। अब देखो करामत अली ने जो बीबी ने रोगन लाया था वो लगा दिया था लक्ष्मी के पीठ पर, वो उसके पीठ सिर पर से हाथ फेरता है, लक्ष्मी स्थिर खड़ी है, जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखते है करामत अली को। करामत अली ने लक्ष्मी को देखा तो उसे लगा महसूस करते है वे कि जैसे लक्ष्मी कहना चाहती है, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। ये जो करामत अली है ना, लक्ष्मी से बड़ा प्यार करता है, और हम जिससे प्यार करते हैं, प्यार से जिसके साथ जुड़े होते हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं उसके मन में क्या चल रहा है। यही बात है, करामत अली लक्ष्मी की तरफ देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि लक्ष्मी अपने मन से कह रही है, क्या कह रही है उसे, कि यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। ये ऐसा कह रही है, महसूस कर रहे हैं, ये तो गाय है, बोल नहीं सकती। लेकिन जब हम जानवरों पर प्यार करते हैं, किसी के साथ प्यार से जुड़े रहते हैं, तो हमें उनके मन में क्या चल रहा है ये हम महसूस कर सकते हैं। यही बात है।